तो मैंने बहुत ही गलत बोला और आज मैं यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे आया हूँ किसानों से माफी मांगने के लिए। तो मैं सभी किसान भाइयों से माफी मांगता हूँ। और 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक भाषण दिया था लाल किले पे, उसकी वजह से आज ये देखने को मिल रहा है, जैसे महंगाई है, तमाम समस्याएं देश में, उसके कारण उत्पन्न नहीं है। आपका क्या मानना है? अच्छा, एक बात आप मुझे बताइए, आपने खाली उन्हीं का बयान सुना है? भाई साहब, भाजपा नमूनों की टोली है और ये तो सिर्फ एक छोटा सा, आप ये समझिए, ट्रेलर है। पिक्चर दिखाने वाले तो एक से बढ़कर एक नेता हैं। उन्होंने ये पूछिए कि नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को भाषण दिया तब देश में महंगाई कैसे हो रही है। वित्त मंत्री कह देती हैं प्याज के बढ़ते दाम को लेकर मैं प्याज ही नहीं खाती, ठीक है जी। इनका एक नेता कह देता है जी कर्नाटक में हमने गंगा साफ करने पर लाखों रुपया बहा दिया। अब भैया कर्नाटक में कौन सी गंगा बह रही है, जरा ये भी बता दो। एक नेता इनका कह रहा है कि बीफ खाओ, मुर्गा मछली ये मत खाओ। एक और यूपी में टीम बन रही है गोरक्षा दल के नाम पर, दूसरी ओर ये कह रहे हैं बीफ खाओ। तो इनके नेता एक से बढ़कर एक टीम में नमूने हैं, कलाकार हैं, ये बात मैं आपको बता दूं। हाँ, कांग्रेस में नहीं है? कांग्रेस में नहीं है भाई, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में हो चाहे बीजेपी में हो, नमूने सारी पार्टी में एक से बढ़कर एक हैं। आप कांग्रेस सपोर्टर हैं या बीजेपी सपोर्टर हैं, बता दो। तुम किसी चीज के भी नहीं, तो फिर आपको आपत्ति क्यों हुई मोदी जी की बात से? इस बात से हुई, देखो यार, अब तुम ऐसे बिना वेरीफाई करे तुम कह रहे हो कि सपोर्टर हैं ये हैं। एक बात आप मुझे ये बताइए जी, कोलकाता में किसकी गवर्नमेंट है? किसी की भी? अरे आपको इतना नहीं पता क्या कोलकाता में किसकी गवर्नमेंट है? बताइए, इज्जत बचाने के लिए कर। अरे भैया इज्जत मेरी, मेरी इज्जत मत बचाइए। सुनिए मेरे को, सुनिए एक मिनट, मेरी इज्जत आप ना बनाने वाले हैं और ना मेरी इज्जत को बिगाड़ने वाले हैं, ठीक है ना? आप ये बताइए कोलकाता में किसकी? अरे आपको, अरे यार भैया, संबित पात्रा बनने आए हो क्या? बोलते रहो, गट्टे गट्टे करते रहो क्या? आप एक बात बताइए, एक बात आप मुझे बताइए, पश्चिम बंगाल में गवर्नमेंट किसकी? आपसे जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब हो तो बताइए, वरना मना करिए, मुझे नहीं पता। भाई बताओ, आप ये बताइए। अरे भैया तुम बता दो। अरे भाई मेरी बात सुनेंगे आप, पश्चिम बंगाल में किसकी गवर्नमेंट है? ममता बनर्जी की है या नहीं है? टीएमसी की है या नहीं है? टीएमसी की है या नहीं है? मैं आपकी तरह पॉलिटिक्स में क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? क्या मैं काम करता हूँ? क्या काम करते हैं? ईयरफोन का काम करता हूँ। किसका? ईयरफोन का काम करते हैं। कभी आप कहते हैं किसी न्यूज चैनल पे आके कि मैं 12th में पढ़ाई कर रहा हूँ, 12th में पढ़ाई कर रहे हैं या ईयरफोन का काम कर रहे हैं? भाई दोनों कर रहे हैं। 12th का तो सबका रिजल्ट आ गया, आप कह रहे हैं कि आपकी पढ़ाई चल रही है? यही कमी है देश में मेरे भाई। सुनिए, आप यंगस्टर से, अरे सुनने का काम करेंगे, सुनने का काम करेंगे। आपको पता है इस देश के अंदर हर दिन कितने लोग भूख से प्रभावित हैं? इस देश के अंदर आपको पता है SSC GD के अंदर अब की बार कितने क्वेश्चन गलत दिए गवर्नमेंट ने? आपको पता है सिविल सर्विस की भर्ती कितने टाइम से नहीं हो रही है? आपको पता है इस देश के अंदर बेरोजगारी का क्या आंकड़ा है? आपको पता है खत्म हुई है क्या? आपको पता है करप्शन कितनी खत्म हुई है? करप्शन कितनी खत्म हुई आप बता दो भाई। एक बात बताऊं, अरे करप्शन से देश बचा हुआ है। हाँ, इस सरकार की वजह से बचा हुआ है। अच्छा तो ये बता दीजिए, बाकी जो देश है जहाँ पर मोदी जी नहीं है, वहाँ का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, बर्बाद है भाई। तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती मेरे भाई, ये अंधभक्ति है, इसकी कोई दवाई नहीं दिखती। SSC का जो मैं आपको बता रहा हूँ आंकड़े कि 3000 से ज्यादा लोग जो भूखे सोते हैं, हंगर इंडेक्स में ग्लोबल 100 ने, पता आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? पता है आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या है? देख रहे हो आप नेगेटिव चीजें, पॉजिटिव चीज आप गिना दो, पॉजिटिव चीज आप गिनाइए। एक मिनट रुकिए, आप ये गिनाइए मोदी जी के पॉजिटिव फायदे, आप मोदी जी के पॉजिटिव फायदे गिनाइए, क्योंकि मैं भी नहीं जानता हूँ। बिल्कुल आप गिनाइए। अरे मैं बता रहा हूँ भाई, शिक्षा अच्छी हुई, शिक्षा अच्छी हुई, बिल्कुल कहाँ अच्छी हुई बताइए? एजुकेशन का बजट, एजुकेशन का बजट, एजुकेशन का बजट, एजुकेशन का बजट गिनाइए। अरे भैया मैं यार आपको गिनवाने को तो मैं इतने पहली, अरे अरे कल हो जाएगी, कहाँ पे हुई है शिक्षा अच्छी है तो बताइए भाई, दिल्ली में हुई है। यूपी में स्कूल नहीं खुल रहे हैं, आप शिक्षा बेहतर हुई है? अरे मोदी हाई स्कूल से ट्रेनिंग लेके आए हैं झूठ बोलने की? 72 साल में सबके कपड़े घिस गए, सबके पैर घिस गए, अच्छा सबके कपड़े घिस गए, कलम घिसते घिसते कि राम मंदिर बनेगा, अच्छा अच्छा फाइनली बन चुका। ये कमी है देश के यंगस्टर की, आधी अधूरी जानकारी लेके बैठे हैं, 12th कर रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ पढ़ाई पे ध्यान दे लो। सुनो अब सुनो बात, राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया है, वरना जिस तरीके से 3 तलाक का मुद्दा पार्लियामेंट से पास होता है ना 300 सांसद के बहुमत से, वैसे ही 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कोर्ट के दरवाजे के चक्कर क्यों लगाने पड़े? सवाल का जवाब दो। बीजेपी ने बनवाया राम मंदिर? अरे अरे मेरा हाथ मत पकड़ो, मैं, अरे भैया मैं क्योंकि अंधभक्तों की कोई दवाई नहीं है, अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं है। आप 10 रुपए दोगे राम के नाम पे? अरे अरे सुनिए हमारे, अरे मैं बता रहा हूँ, सुनिए 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 हमारे राम राम की जो बात कर रहे हैं, ठीक है आपको? पहली बात मेरे भाई ने बोली शिक्षा अच्छी हुई, ये नहीं पता कहाँ अच्छी हुई, जैसे बोला ना, अरे यार सुनने का दम रखोगे? ठीक है भाई, बोलो भाई। जैसे योगी जी ने एडवर्टाइजमेंट किया ना उत्तर प्रदेश का एडवर्टाइजमेंट दिल्ली में कि 4 करोड़ रोजगार मिला, ये नहीं पता कहाँ मिला, ऐसी भाई ने बोला शिक्षा अच्छी हुई, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ मिली। दूसरी बात, इन्होंने बोला राम मंदिर, अरे देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, उनके लिए 10 रुपए का चंदा देंगे?
अरे देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं, सरकार है जो हिंदुओं की सरकार अपने आप को बताती है, वो राम के नाम पे चंदा मांगती है नया संसद बनाने के लिए, पीएम कार्यालय बनाने के लिए, कोई चंदा नहीं। और राम के नाम पे चंदा, किसान बैठा हुआ है, इसको किसने चंदा दिया है? ये बैठा हुआ है, आपको अच्छा लगता होगा ना? बिल्कुल अच्छा नहीं लगता भाई। अच्छा नहीं लगता तो ये मोदी जी से कहते क्यों नहीं? आपके या आपकी सरकार के किसी नेता की इतनी औकात नहीं है कि इनके हाथों को खरीद सके, इनकी कीमत लगा सके? सुनिए, अरे सुनने का दम रखिए, सुनने का दम रखिए। ये हाथ जो देख रहे हैं, इनकी जो खाल सुकड़ी है, ये घर में बैठ के या फिर वो पीएम कार्यालय में बैठ के नहीं हुई। इन्होंने पैसा अपना सींच के, जब सुबह 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यालय में बैठे होते हैं ना, तब ये उठकर देश की जनता के लिए पेट भरता है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि आप जैसे लोग इसके हाथ का नाच खाते हैं और गाली भी इसी को देते हैं। इसीलिए कहता हूँ, समझिए, पढ़िए। मैं तो इन पढ़ू, आप एजुकेटेड हो, आप ये बताओ, अगर 3000 करोड़ रुपए अगर पूरे देश में बांटे जाते तो कितने कितने रुपए आते हैं? एक बात आप, हाँ मैं आपको बताता हूँ, 133 करोड़ की आबादी है, 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति का जो रॉ मटेरियल आपने बताया इसको, ये सुनिए, ये संबित पात्रा वाले एक्शन जो डिबेट्स वाले ना, ये वहाँ दिखाइएगा। पहले ये बताइए देश की आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है? 135 करोड़। और अगर 135 करोड़ नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे? पहली बात तो फिर ऑफिशियल स्टैटिक्स कभी भाई होता ही नहीं है, ऑफिशियल नहीं होता, नहीं होता भाई, कौन कहाँ नहीं होता। कोरोना के चक्कर में, कोरोना के चक्कर में हमारी देश की इकोनॉमिक्स इतनी डाउन हो चुकी है ना ब्रो, देखो यार ये पढ़ वाले के मत बोलना यार, क्योंकि मतलब मैं तो हमारे देश की इकोनॉमिक्स कैसी होगी? जितनी आपकी मर्जी हो, छोटी उम्र से बोल रहा हूँ, जो पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आप कृषि कानून के बारे में बताइए, ठीक है ना? कृषि कानून के बारे में बताइए, आप बताइए कृषि कानून के बारे में बताइए। पढ़ लिया हो तो कृषि कानून पढ़ लिया तो भाई, 3 कानून है कृषि कानून, बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? अरे मेरी बात तो सुनिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बताइए। बता रहा हूँ भाई, कब बताइए? कल बताएंगे, सुनेगा तभी तो बताऊंगा। 24 करोड़ बताइए। 24 करोड़ किसान अपने देश में, उधर उधर लगभग 24 करोड़ किसान है देश में, जिसमें कि 10 करोड़ किसानों के पास अपनी जमीन है, 14 करोड़ किसानों के पास नहीं है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और 70% जनता कृषि के ऊपर आरक्षित और निर्धारित है। मुझे तो पता ही नहीं थी, आपको पता ही नहीं 24 करोड़ किसान का डाटा है? 24 करोड़ किसान यहाँ देश में, 80 करोड़ किसान गवर्नमेंट ऑफिशियल डाटा देती है, और आप सब बता रहे 24 करोड़ का। फार्म सर्विस एक्ट 2020 बताइए क्या है? फार्म सर्विस एक्ट 2020 की नहीं है, अरे ये घुमाइए मत, ये नहीं घूमने वाले, सुनिए, अरे सुनिए, फार्म सर्विस एक्ट 2020 की नहीं है, पहले अरे पहले सरकार विकल्प नहीं दे रही, जो बाजार है सरकार ने कहा अपने पास से बेचो, हमारे से रिलेशन खत्म। अच्छा हाँ, अरे मतलब जो एक बात बताइए, गन्ने की फसल 2 दिन में सूख जाता है, गन्ना किसी ने गन्ना उगाया, मान लीजिए 5 टन गन्ना उगाया, अच्छा। तो उसको लेकर भोपाल जाएगा, इतने का डीजल फूकेगा, है ना? डीजल फूकने के बाद में फिर उसमें टोल टैक्स भी देगा, और तब जाके देखेगा तो गन्ना तो सूखा पड़ा हुआ है, तो सरकार क्यों नहीं लेगी? और एक बात बताइए, ये मोबाइल फोन है, अब सुनिए, और घर पे जाके बताइएगा भी और भी लोगों को, ये मोबाइल फोन है, अगर इस मोबाइल फोन का स्टॉक खत्म हो गया ना, सिर्फ मेरे पास ही आ गया, तो बाजार में इसकी कीमत बढ़ जाएगी, इसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है? पता सुनिएगा, ठीक है? तो अगर आप अनाज को रखने का स्टोरेज दे देंगे किसान के हाथ से हटाकर, अंबानी अडानी को दे देंगे, एक मिनट, गंगा जी से 1 बाल्टी पानी भरो चाहे 1000 बाल्टी नहीं भरो, कोई पैसा लेता है? नहीं लेता ना। अब वही फ्री में मिलने वाला पानी जब मल्टीनेशनल कंपनी की नजर में आता है, तो वो इसको 10 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर किन्ने और बिस्लरी के जरिए बेचते हैं। तो ऐसे ही जब किसान की फसल इनके हाथ में लगेगी, तो जो आलू आपको आज, हमें और आपको 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो मिलता है ना, वही आलू का दाम शायद 50 रुपए किलो, 100 रुपए किलो हो जाए, तो आप कहाँ से ले पाएंगे? और ये देश का गरीब किसान जो मेहनत करके पैसा करके, एपीएमसी एक्ट के तहत 2006 में मंडियां बंद कर दी गई बिहार में, जानते हैं आप क्या एपीएमसी? बिल्कुल बताइए क्या एपीएमसी? अरे आप सब एपीएमसी एक्ट की बताइए, एपीएमसी एक्ट क्या है? तो बीच में क्यों बोलते हैं आप? सुनने का शौक है नहीं आपको, लेकिन ले पहले पढ़िए सुनिए, आप मेरे भाई हैं और मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी यंगस्टर की रिस्पेक्ट करता हूँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पढ़ना चाहिए, किसान के लिए बोलना चाहिए, लेकिन सुनिए, यहाँ आकर कम से कम इन बुजुर्गों के, इनके हौसलों को खत्म मत करिए। पता है आपको, 8 महीने से बैठे हुए हैं और 700 से ज्यादा परिवार के सदस्यों को खो चुके हैं, यहाँ सरकार और किसी सरकार की औकात नहीं कि इनको खरीद सके या इनको मदद दे सके, ये यहाँ बैठे हुए हैं सिर्फ इसलिए कि अपनी आने वाली पीढ़ी को बचा सके इन गुलामी की जंजीरों से, ठीक है? तो यहाँ खड़े होकर ये मुंह में नखून चबाने से कुछ नहीं होगा, अगर आप इन्हें समर्थन समर्थन देने के लिए आपको खाना भी खिलाएंगे, दो समोसे या आपको खाना भी खिला के भेजेंगे, खाना भी खिला के भेजेंगे आपको, ठीक है? और पूरे देश को, किसानों का, अरे इतना बड़ा दिल है, आपके परिवार को भी लंगर खिलाएंगे, मैं तो 2 समोसे क्या खाना भी खाता हूँ, अरे पूरा देश इन किसान का अनाज खाता है।
आंदोलन को बदनाम नहीं करूंगा और यहाँ मैं सभी से माफी मांगता हूँ। बोलो आप इस बात को। मैंने News 24 में मेरे को नॉलेज नहीं थी किसी भी चीज की, लेकिन मैं ऐसे चला गया और मतलब हाँ मैं बहस करने के लिए, और मैंने किसानों के बारे में मतलब उसने मुद्दा उठाया था कि किसान ऐसे ऐसे आ रहे हैं, कुछ लोगों का कहना है कि पैसों में आ रहे हैं, ये है वो है, तो मैंने बहुत ही गलत बोला और आज मैं यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे आया हूँ किसानों से माफी मांगने के लिए। तो मैं सभी किसान भाइयों से माफी मांगता हूँ, और मैं यहाँ पे जैसे आया मैंने यहाँ के हालात देखे, क्योंकि मतलब बहुत लोग कह रहे थे कि यहाँ किसान पैसों में आते जाते हैं। मैं दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा भाई। ये मैंने और ये बोलिए कि यहाँ कोई किसान पैसों से नहीं आता है। मैंने यहाँ पे आके देखा कि ये लंगर वंगर काफी बहुत अच्छी तरीके से मतलब पहले हाँ लंगर भंडारा वंडारा में मतलब मैं पहली बार आया तो मैंने यहाँ पे भी खाया, उन्होंने मतलब मेरे को बहुत ज्यादा इज्जत से खिलाया। पता होते हुए भी कि मैंने किसानों के बारे में ऐसा बोला है, और मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा तो मैं सॉरी कहना चाहूंगा। और जितने भी युवक हैं जो सोच रहे हैं जिनकी ब्रेन मेंटेलिटी ऐसी है कि मतलब किसान पैसों में आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ पे आके देखा और मैंने यहाँ पे बैठ बाजी करी, बैठ बाजी मैंने गलत करी है।